फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स डेली द हिंदू वोकैबुलरी पावर्ड बाय Vocab24 ऐप। सो फ्रेंड्स, आज हमारा 150 वीडियो कंप्लीट हो गए और ये अपना 151 वीडियो है। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, जरूर सब्सक्राइब करें और Vocab24 ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि ये आपके प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करने वाली है, आपके इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश सेक्शन, वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग करने वाली है। सो फ्रेंड्स, लगातार 150 दिन हमने आपको वोकैब के वीडियोस प्रोवाइड करके बच्चों को बहुत बेनिफिट हो रहा है। फ्रेंड्स, उसी चीज को लेकर हमने एक कोर्स भी डिजाइन किया है, ऑनलाइन कोर्स, जहां 1900 बच्चे ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुके हैं और सिर्फ 80 स्टूडेंट बचे हैं जिनको ये ऑफर ग्रैब करने का मौका मिलेगा। फ्रेंड्स, तो अभी इसे ऑफर को ग्रैब कीजिए और जीतिए 25% ऑफ। कूपन कोड यूज करने पे POST25, साथ में अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो wifistudy.com/SSC भी टाइप कर सकते हैं आप, और बैंकिंग के लिए wifistudy.com/banking टाइप कर सकते हैं आप। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले वर्ड से, वो है लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका फ्रेंड्स एक नाउन है जिसका मतलब है लैंग्वेज दैट इज अडॉप्टेड एज अ कॉमन लैंग्वेज बिटवीन स्पीकर्स हुज नेटिव लैंग्वेज आर डिफरेंट। ओके, तो एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज जो कि आप अडॉप्ट कर लेते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, लेकिन आपकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। ओके, जो संवादनशील भाषा, तो जिससे आप संवाद करते हो, जिस भाषा से, उसको अपन कहते हैं संवादनशील भाषा। ओके, तो देखिए, जैसे कि अगर दो दोस्त हैं, जैसे कि दो दोस्त हैं जो कि इनकी लैंग्वेज, जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, थोड़ी डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू उनकी नेटिव लैंग्वेज। जो दो, जैसे मान लीजिए इटली के ये दो लड़कियां हैं और इटालियन इनकी लैंग्वेज होगी, लेकिन ये इंग्लिश अडॉप्ट करती है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो इंग्लिश क्या बन गई है, लिंगुआ फ्रैंका बन गई है। सिनोनिम देखिए, कॉमन लैंग्वेज, जार्गन, कम्युनिकेशन लैंग्वेज और साथ में पर्लेंस। तो यहाँ पे देखिए, पर्लेंस और जार्गन ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आप देख सकते हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं एग्जाम्पल, इंग्लिश इज रैपिडली बिकमिंग द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ एशिया। यानी इंग्लिश कैसी है, रैपिडली कैसी बन गई है, संवादन करने की एक भाषा बन गई है एशिया के अंदर। संवाद करने की एक भाषा बन गई है। ओरिजिन कहां से, लैटिन वर्ड से इसका, लिंगुआ फ्रैंका। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है। लैंग्वेज फ्रेंड्स के बीच में लिंगुआ फ्रैंका होती है। तो देखिए, लैंग्वेज कैसी होती है फ्रेंड्स के बीच में, लिंगुआ फ्रैंका होती है, यानी कि ऐसी भाषा होती है जो कि बहुत कॉमन लैंग्वेज होती है। तो इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे कि राजस्थान के अंदर जो कॉमन लैंग्वेज है, वहाँ की नेटिव लैंग्वेज है मारवाड़ी है, लेकिन वहाँ पे लोग हिंदी में बात करते हैं राजस्थान के अंदर, तो वो क्या हो गया, एक लिंगुआ फ्रैंका हो गया है। तो लैंग्वेज फ्रेंड्स के बीच में लिंगुआ फ्रैंका होती है। तो देखिए, लैंग्वेज और फ्रेंड्स को मैंने लिंगुआ फ्रैंका से रिलेट किया है, इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है अपना, फेंट अकम्पली। फेंट अकम्पली एक नाउन है फ्रेंड्स, और देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। अ थिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड और बीन डिसाइडेड बिफोर दोज अफेक्टेड हियर अबाउट इट, लिविंग देम विद नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट इट। तो कोई ऐसी चीज जो कि ऑलरेडी हो चुकी हो, डिसाइड हो चुकी हो और आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा हो, सिर्फ आपको उसको एक्सेप्ट ही करना है, निर्विवादित तत्व, उसको अपन कहते हैं फेंट अकम्पली। सिनोनिम देखते हैं, अकम्पलिश फैक्ट, इरिवर्सिबल एक्ट, प्रेज्यूमेबली इरिवर्सिबल और साथ में अनडिनायबल एक्ट फैक्ट। देखते हैं एग्जाम्पल, Since the demolition of the historic site is a faint accompli, a protest would be fruitless. यानी जो demolition करना है, जो historic site को तोड़ने के लिए क्या हो चुका है, पहले से decision हो चुका है और आपका जो protest है वो बिल्कुल भी fruitful नहीं होगा। अब देखते हैं इसका origin. French word से इसका origin है, जिसका मतलब है accomplished fact. Now let's see the trick. Faint, देखिए बहुत आसान trick है, faith वाली चीजों के साथ लोग faint accompli accept कर लेते हैं। तो देखिए, जो फेथ वाली जो चीज़ें होती है, जो कि रिलीजन चीज़ें होती है, इनको लोग फेंट अकम्पली एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि जो भी चीज़ होगी उसको मान लिया जाएगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको मानने या नहीं मानने का। जैसे कि इस पिक में आप शनि देव देख सकते हैं, जैसा कि सभी को पता है कि सैटरडे के दिन इनको ऑयल अपन डोनेट करते हैं, जो शनिदेव वाले जो लोग होते हैं, ठीक है। तो फेथ वाली चीज़ों के साथ में कभी भी अपन क्या करते हैं, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं होता, अपन को उसको मानना ही पड़ता है। अगर इंडिविजुअली हो सकता है आप ना मानो, लेकिन आपको जनरली उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो फेथ वाली चीज़ों को अपन फेंट अकम्पली एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि निर्विवादित तत्व के साथ में एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फेथ के साथ अपन ये फेंट वर्ड रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम पेपर में जब आपके पूछा जाएगा तो आप इजिली ये वर्ड देख के फेथ से याद कर लोगे कि इसका मतलब क्या है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। स्टुपुलेट। स्टुपुलेट एक वर्ब है जिसका मतलब है टू इंसिस्ट अपॉन समथिंग एज अ कंडीशन ऑफ एन एग्रीमेंट और प्रोविजन। नियम करना, तो किसी भी चीज के कंडीशन बना देना, एग्रीमेंट बना देना, नियम कर देना, उसको स्पेसिफाई कर देना, उसको अपन स्टुपुलेट कहते हैं। सिनोनिम देखिए, डेजिग्नेट, स्पेसिफाई, सेट आउट, ले डाउन या फिर सेट फॉर्थ। और एंटोनिम्स क्या है, ब्रेक ऑफ।
और देखते हैं इसके एग्जाम्पल. द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द बेसबॉल प्लेयर्स स्टिपुलेट दे मस्ट अटेंड ऑल प्रैक्टिसेस एंड गेम्स. यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसने बेसबॉल प्लेयर्स को क्या कर दिया है, नियम में ला दिया है कि उनको सारे प्रैक्टिस मैच गेम्स को अटेंड करना पड़ेगा. अब देखते हैं इसकी वर्ब फॉर्म, स्टिपुलेट, स्टिपुलेटेड एंड स्टिपुलेटेड. रिलेटेड वर्ड क्या है, स्टिपुलेशन यानी कि कंडीशन और रिक्वायरमेंट दैट इज स्पेसिफाइड और डिमांडेड एज अ पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट. और ओरिजिन का आंसर लैटिन वर्ड सही है इसका. ठीक है, नाउ लेट्स सी द ट्रिक. ट्रिक देखते हैं इसकी, बहुत आसान ट्रिक है. कंपनी में लेट आने वाले को लेकर टाइम स्टिपुलेट लिया गया है. तो देखिए कंपनी में जो लेट आने को लेकर टाइम का क्या किया गया है, स्टिपुलेट किया गया. देखिए लेट आ रहा है यहाँ पे, यानी कि नियम बनाए गए हैं. हर कंपनी में कुछ नियम होते हैं टाइम को लेकर कि आप इसको इस टाइम में आना पड़ेगा. तो इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं कि कंपनी में लेट आने को लेकर टाइम स्टिपुलेट लिया गया है, यानी कि वहां पे नियम कायदे बनाए गए हैं. ओके, किए गए हैं, अपन इसको किए गए हैं कर सकते हैं. तो स्टिपुलेट का मतलब क्या हुआ, कोई भी नियम बनाना किस चीज को लेकर, लेट आने को लेकर बनाया है. तो ये देखिए लेट लिखा हुआ है यहाँ पे. तो लेट आने को लेकर अगर कोई नियम बनाए गए तो अपन उसको क्या बोलेंगे, स्टिपुलेट करना बोलेंगे अपन उसको. देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है. लिटिगेंट, लिटिगेंट एक नाउन है फ्रेंड्स, जिसका मतलब है पर्सन इन्वॉल्व्ड इन ए लॉ सूट, मुकदमेबाज. तो जो पर्सन मुकदमे करता है किसी के ऊपर, किसी को सू करता है, किसी के ऊपर केस करता है, कंप्लेन करता है, उसको अपन लिटिगेंट कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा वर्ड है. सिनोनिम देखते हैं, ओपोनेंट इन लॉ, प्लेंटिफ, क्लेमेंट, कंप्लेनेंट, पेटिशनर और अपीलेंट. ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए प्लेंटिफ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. पेपर में मैंने बहुत बार देखा है इस वर्ड को, एसएससी के अंदर भी स्पेशली. क्लेमेंट भी इंपॉर्टेंट है, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है. एग्जाम्पल देखते हैं, लिटिगेंट सूट द मेडिकल प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस फॉर नेग्लिजेंस ड्यू टू द मिस डायग्नोसिस ऑफ हिज मदर्स इनलेस विच रिजल्टेड इन डेथ. यानी कि एक मुकदमेबाज ने केस कर दिया मेडिकल प्रैक्टिस करने के ऊपर. ओके, किस बिहाफ के ऊपर, नेग्लिजेंस के बिहाफ के ऊपर, क्योंकि उसने मिस गलत तरीके से डायग्नोस किया था उसके मदर की इलनेस को, बीमारी को, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है. वर्ब फॉर्म देखते हैं, लिटिगेट, लिटिगेटेड एंड लिटिगेटेड. और लिटेड वर्ड क्या है, लिटिगेट यानी कि बी इन्वॉल्व इन ए लॉ सूट. और ओरिजिन कहां से है, लैटिन वर्ड से ही है इसका, लिटिगेंट, कैरिंग ऑन ए लॉ सूट, फ्रॉम द वर्ब लिटिगेयर. नाउ लेट्स सी द ट्रिक. देखिए ट्रिक बहुत आसान ट्रिक है. जेंट्स लोग बहुत लिटिगेंट होते हैं. तो देखिए जेंट्स लोग बहुत लिटिगेंट्स होते हैं. लिटिगेंट होते हैं यानी कि मुकदमेबाज होते हैं. अगर अपन कंपेयर करें मेल और फीमेल में, तो मेल कैटेगरी मेरे ख्याल से 80% केसेस तो मेल कैटेगरी वाले ही होते हैं जो मुकदमे करते हैं. तो अपन क्या बोल रहे हैं कि जेंट्स लोग क्या होते हैं, लिटिगेंट होते हैं. जेंट्स लिटिगेंट, देखिए दोनों बहुत सिमिलर से वर्ड है, इस तरीके से मैं इन दोनों को रिलेट कर रहा हूँ. ठीक है, जेंट्स लोग बहुत लिटिगेंट होते हैं. देखते हैं नेक्स्ट वर्ड अपना, बैकलैश. बैकलैश एक नाउन है जिसका मतलब है स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्पेशली टू ए सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट. ओके, पलटाओ, तो कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिएक्शन जनता की तरफ से आना किसी भी पॉलिटिकल या सोशल डेवलपमेंट की वजह से, तो उसको अपन कहते हैं बैकलैश. सिनोनिम देखते हैं, एडवर्स रिएक्शन, रेस्पॉन्स, काउंटर एक्शन, काउंटर ब्लास्ट, रिपरकशन या फिर रिवर्ब्रेशन. ओके, तो रिपरकशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. इसका मतलब क्या होता है, कंसिक्वेंसेज. अपन ने इसको कई बार वर्ड को अपन ने बनाया भी है ट्रिक्स के साथ में. अगर आपको याद हो तो अपन ने इसकी ट्रिक बनाई थी, जैसे पुस्तक के प्रकाशक वैसे उसके रिपरकशक, रिपरकशन. रिपरकशन यानी कि जैसे बुक के ऑथर होंगे वैसे ही उस बुक के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और रिजल्ट होंगे. ओके, तो बैकलैश का मतलब भी यही है, एक नेगेटिव रिएक्शन जो कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल के द्वारा देखा गया है. एंड टर्म देखिए, कॉज या फिर सोर्स. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो फियर्स अ बैकलैश फ्रॉम पेरेंट्स इफ स्कूल फीस इंक्रीज अनरीजनेबली. यानी कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी डर है कि पलटाव ना हो जाए पेरेंट्स की तरफ से अगर अपन ने स्कूल फी को इंक्रीज कर दिया बिन बात ही. अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है. करप्ट लोगों को बैक करोगे तो बैकलैश झेलना पड़ेगा. तो देखिए करप्ट लोगों को अगर बैक करोगे, अगर आप जैसे कि किसी ने करप्शन किया है, जैसे कि यहाँ पे देखिए सुरेश कलमाड़ी जी की फोटो है. ओके, कॉमनवेल्थ में इनका बहुत बड़ा घोटाला, 50,000 करोड़ का इनके नाम आया था कॉमनवेल्थ घोटाले के अंदर. तो अगर कांग्रेस ने क्या किया, इनको बैक किया, तो उनको क्या झेलना पड़ा, बैकलैश झेलना पड़ा जनता की तरफ से. अन्ना हजारे, केजरीवाल जी, अन्ना हजारे जी, इन सबकी तरफ से पूरे देश में आंदोलन चलाया गया था, उसके बाद में उनको बैकलैश झेलना पड़ा था. तो करप्ट लोगों को अगर आप बैक करोगे तो बैकलैश झेलना पड़ेगा. तो ओके, इस तरीके से अपन इसको आसानी से याद कर सकते हैं. देखिए बैक और बैकलैश दोनों ही सिमिलर से वर्ड हैं. देखते हैं नेक्स्ट, प्रीक्लूड. प्रीक्लूड एक वर्ब है जिसका मतलब है प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग, रोकना या फिर होने ना देना, कोई भी चीज को स्टॉप कर देना, ब्लॉक कर देना, उसको अपन प्रीक्लूड कहते हैं. सिनोनिम देखते हैं, प्रिवेंट, स्टॉप, प्रोहिबिट, डिबर, इंटरडिक्ट, ब्लॉक, बार या फिर हिंडर.
तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है बस, बाकी कुछ भी नहीं है। एंड टर्म्स भी बहुत आसान है, एड असिस्ट या फिर फैसिलिटेट। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। द यंग जिमनास्ट हैज सफर्ड एन इंजरी विच विल प्रिक्लूड हिम फ्रॉम बीइंग पार्ट ऑफ द ओलंपिक टीम। यानी कि जो यंग जिमनास्ट पर्सन है, यंग जिमनास्टिक है, उसको इंजरी हो गई है और उसके वजह से उसने, इंजरी ने उसको रोक दिया है ओलंपिक टीम का हिस्सा बनने में। वह फॉर्म देखते हैं, प्रिक्लूड, प्रिक्लूडेड एंड प्रिक्लूडेड। ओरिजिन कहां से है? लैटिन वर्ड से प्रिक्लूडर। ओके, देखते हैं इसके ट्रिक। देखिए, चोरी होने पे पुलिस क्लू के लिए प्रिक्लूड करती है। तो देखिए, जब भी चोरी होती है फ्रेंड्स किसी के घर में, तो हमेशा क्या करती है पुलिस, क्या करती है, बैरिकेड्स लगा देती है चोर को पकड़ने के लिए शहर के चारों तरफ। ठीक है, तो चोर, पुलिस को क्या चाहिए होता है, क्लू चाहिए होता है कि कैसे उसको पकड़े। तो पुलिस क्या करती है, प्रिक्लूड करती है। जैसे शहर से अंदर आने वाले व्हीकल और अंदर से बाहर जाने वाले व्हीकल, दोनों को क्या करती है, चेक करती है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि पुलिस, चोरी होने पर पुलिस क्लू को लेकर प्रिक्लूड करती है। प्रिक्लूड यानी कि लोगों को रोकती है, पूछताछ करती है। ओके, आपने देखा होगा रात को अगर आप 10 बजे बाद में घर आते हैं तो रास्ते में पुलिस होती है, ओके, बैरिकेड्स लगा के खड़ी होती है। तो क्लू के लिए क्या करती है पुलिस, प्रिक्लूड करती है, यानी कि प्रिवेंट करती है सबको। नेक्स्ट वर्ड है अपना पॉपुलेस। पॉपुलेस एक नाउन है जिसका मतलब है पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री और एरिया, जनसाधारण। ठीक है, तो जो लोग एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर एरिया में रहते हैं उसको अपन पॉपुलेस कहते हैं, जनधारण। सिनोनिम देखिए, इनहैबिट्स, रेसिडेंट, नेटिव, पब्लिक या फिर रबल। तो रबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी बहुत कॉमन वर्ड है। एग्जाम्पल देखते हैं, मोर पुलिस ऑफिसर्स आर नीडेड टू कीप द पॉपुलेस काम ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट मार्च। यानी कि ज्यादा पुलिस ऑफिसर की जरूरत पड़ेगी अगर अपने को इतनी सारी जनधारण, जो जनता है उसको अगर अपन को शांत रखना है प्रोटेस्ट मार्च के टाइम पे। रिलेटेड वर्ड देखते हैं, पॉपुलेशन, ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। तो इनहैबिटेंट जो एक पर्टिकुलर एरिया के होते हैं उसको अपन पॉपुलेशन कहते हैं। इटालियन वर्ड है ये, वहां से इसका ओरिजिन हुआ है। ओके, अब देखते हैं इसके ट्रिक। देखिए, पॉपुलेस लोगों से ही पॉपुलेशन बढ़ती है। तो देखिए, पॉपुलेस और पॉपुलेशन कितने सिमिलर से वर्ड हैं और दोनों का मतलब भी एक जैसा ही है। ठीक है, कि पॉपुलेस क्या है, लोग हैं जो कि रह रहे हैं, जैसे ये लोग हैं जो कि रह रहे हैं एक एरिया के अंदर, और इन्हीं को अपन क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन, कि इस एरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो पॉपुलेस ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी। इस तरीके से अपन आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना कॉइन। कॉइन का एक वर्ब है जिसका मतलब है इन्वेंट ए न्यू वर्ड और फ्रेज, आविष्कार करना या फिर इजाद करना। तो कोई भी चीज को अपन, यहाँ पे कई बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि दिस वर्ड इज कॉइन बाय, ओके, डैश एक्स वाई जेड, जो भी पर्सन है। तो कोई भी चीज को अगर आप इजाद करते हो, आविष्कार करते हो, स्पेशली किसी वर्ड का, फ्रेज का, तो उसको अपन कॉइन नाम देते हैं। सिनोनिम देखते हैं, इन्वेंट, क्रिएट, डिवाइस, कंसीव, ओरिजिनेट, फॉर्मुलेट या फिर फैब्रिकेट। और एंटोनिम से इग्नोर या फिर नेग्लेक्ट। और यहाँ पे सभी बहुत से आसान से वर्ड है। ओके, डिवाइस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने इसका, अपन ने पहले इसको कवर अप भी किया था, इस वर्ड को अपन ने किस तरीके से याद किया था इसको, कि डिवाइस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइस करना पड़ता है, यानी कि आविष्कार करना पड़ता है अगर आपको कोई डिवाइस बनाना है। तो इस तरीके से अपन ने इस वर्ड को डिवाइस से लेट किया था, डिवाइस को, यानी कि आविष्कार करने को। अब देखते हैं इसकी एग्जाम्पल क्या है। चिलेक्स इज अ रिसेंटली कॉइंड वर्ड एडेड टू डिक्शनरी विच मीन्स काम डाउन एंड रिलैक्स। तो अपन कहते हैं ना कई बार कि चिल, चिल हो जाओ, यानी कि रिलैक्स हो जाओ। ओके, तो ये वर्ड है जो रिसेंटली कॉइन किया गया है, डिक्शनरी में ऐड किया गया, जिसका मतलब है काम डाउन होना या फिर रिलैक्स होना। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। कोई ना कोई हर वर्ड को कॉइन करता है। तो देखिए, कोई ना कोई और कॉइन, देखिए कितने सिमिलर से वर्ड है। कोई ना कोई कॉइन करता है, हर कोई वर्ड होगा दुनिया में उसको किसी ना किसी ने तो कॉइन किया ही होगा। ठीक है, तो अपन वही बात बोल रहे हैं कि कोई ना कोई हर वर्ड को कॉइन करता है, यानी कि उसका इन्वेंशन करता है, उसका आविष्कार करता है। ओके, कॉइनेज भी एक रिलेटेड वर्ड है इसका, जिसका मतलब है कोई इन्वेंशन करना न्यू वर्ड का, फ्रेज का। ठीक है, वर्ब फॉर्म्स क्या थी इसकी, कॉइन, कॉइंड एंड कॉइंड। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, इम्प्यून। ओके, इम्प्यून, इम्प्यून देखिए इसके दो तरीके से आप इसको बोल सकते हैं, यूएस एंड यूके में दोनों अलग तरीके से बोलते हैं। इम्प्यून कहते हैं इसको कई लोग, और इसको इम्पन भी कहते हैं। ओके, तो दोनों ही सही है। अब इसका इम्पर्न का मतलब क्या है, डिस्पाइट द ट्रूथ, वैलिडिटी और ऑनेस्टी ऑफ स्टेटमेंट और मोटिव, वाद विवाद करना। तो कोई भी ऑनेस्टी है किसी चीज को लेके, वैलिडिटी को लेके, ट्रूथ को लेके, अगर वाद विवाद हो रहा है तो उसको अपन इम्पर्न कहते हैं। सिनोनिम देखते हैं, डिस्प्यूट, गेन से, कॉन्ट्राडिक्ट, कॉल इन टू एक्ट, क्वेश्चन या फिर अपोज। तो यहाँ पे गेन से इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गेन से का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी चीज को गेन कर रहे हो, इसका मतलब है वाद विवाद, आप किसी से क्या कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो किसी चीज को, उसको अपन गेन से कहते हैं। एंटोनिम्स क्या है, सपोर्ट, अलाउ या फिर एग्री। एग्जांपल देते हैं, एन एथिस्ट इज क्विक टू इम्पर्न द कंसेप्ट ऑफ ए सुप्रीम पावर। यानी एक एथिस्ट है वो
बहुत ही क्विक है, वाद विवाद करने को लेकर, किस चीज को लेकर, कॉन्सेप्ट को लेकर, सुप्रीम पावर के। अब इसके वर्ब फॉर्म देखते हैं, इम्पर्न, इम्पर्न एंड इम्पर्न। लेटर वर्ड क्या है? इम्पग्नेबल यानी कि विवादस्पद, इम्पग्नमेंट यानी कि वाद विवाद। ओरिजिन कहां से? लैटिन वर्ड से इसका ओरिजिन है। देखते हैं इसके ट्रिक क्या है। इस पग को लेकर इम्पर्न है, तो इस पग, देखिए ये पग है किसी का, तो दो पड़ोसियों के बीच में लड़ाई हुई इस पग को लेकर कि ये पग किसका है, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि इस पग को लेकर इम्पर्न है। इम्पर्न यानी कि लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है। ओके, तो इस तरीके से इसको अपन लेट करके याद कर सकते हैं। इस आखिरी वर्ड को आप कभी भी फ्यूचर में देखेंगे तो पग से इजीली याद कर पाएंगे। ठीक है, देखिए दोनों के बीच में पग आ रहा है, ये भी पग है यहाँ पे और इसके बीच में भी पग है, तो इम्पर्न। ठीक है, तो इस पग को लेकर इम्पर्न है यानी कि वाद विवाद है। और लास्ट वर्ड देखते हैं आज का अपना, ऑब्सोल्यूट। ऑब्सोल्यूट एक ऑब्जेक्टिव है जिसका मतलब है काइंड और स्टाइल, नो लॉन्गर करंट, नो लॉन्गर इन यूज और नो लॉन्गर यूजफुल, अप्रचलित। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि अब राइट नाउ यूज में नहीं आती है, उसका करंट में यूज नहीं आती है, उसका कोई यूजफुलनेस नहीं बची है, अप्रचलित है, उसको अपन कहते हैं ऑब्सोल्यूट। सिनोनिम देखते हैं, आउटडेटेड, आर्केक, एनाक्रोनिस्टिक, डिफंक्ट या फिर एक्सटेंट। यहाँ पे दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। एंटम्स का करंट, मॉडर्न, न्यू, कंटेम्प्रेरी या फिर इन वोक। वोक का मतलब फैशन, कोई भी चीज जो कि फैशन में है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। इफ यू लुक इनसाइड ऑफ मोस्ट क्लासरूम्स यू विल नॉट सी चॉकबोर्ड्स बिकॉज दे आर नियरली ऑब्सोलीट इन एजुकेशन टुडे। यानी कि अगर आप अब मोस्टली जो क्लासरूम्स को देखेंगे तो वहां पर चॉकबोर्ड नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि अब ये प्रचलित नहीं है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। देखते हैं लेटर वर्ड ऑब्सोलीटनेस यानी कि अप्रचलितता, और ओरिजिन कहां से है? लैटिन वर्ड से ही ऑब्सोलीटस यानी कि ग्रोन ओल्ड या फिर वॉर्न आउट। नाउ लेट्स सी द ट्रिक। देखिए बहुत आसान ट्रिक है, अब तो लेट हो गए बेचने में, ये ऑब्सोलीट हो गए। तो देखिए अब तो लेट हो गए आप, देखिए ये नोकिया का फोन है। ओके, ये नोकिया का बहुत पुराना फोन है, 3310 या 3320 के आसपास होगा जो भी है इसका मॉडल है। तो अगर अब आप इसको बेचना चाहेंगे तो क्या ये बिकेगा? नहीं बिकेगा, क्योंकि अब आप लेट हो गए हैं। अब आप लेट हो गए हैं तो क्या हो गया, ये चीज क्या हो गई? ऑब्सोलीट हो गई है। तो देखिए अब तो लेट हो गए, अब से लेट हो गए। तो देखिए कितने ज्यादा सिमिलर से ये दोनों लाइंस हैं। अब तो आप लेट हो गए बेचने में, ये एब्सोल्यूट हो गए। एब्सोल्यूट हो गए यानी कि प्रचलित में नहीं है। इस तरीके से आप इस शुरू के वर्ड को और इस आखिरी के वर्ड से लेट करके इसे आसानी से याद कर सकते हैं। और फ्रेंड्स वापस अपन इन सबको एक बार रिवाइज करते हैं, देखते हैं कि आज अपन ने कौन कौन से वर्ड देखे हैं और उन सभी का मतलब क्या है। ओके, आज के वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसे वर्ड एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं। आज का अपना पहला वर्ड था लिंगुआ फ्रैंका यानी कि लैंग्वेज, जो कि एक आपस में मोड ऑफ कम्युनिकेशन होती है फ्रेंड्स के बीच में। लैंग्वेज फ्रेंड्स के बीच में लिंगुआ फ्रैंका होती है। फेथ वाली चीजों को लेकर फेंट अकम्पली एक्सेप्ट कर लेते हैं यानी कि निर्विवादित तत्व के साथ में एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंपनी में लेट आने को लेकर टाइम स्टिपुलेट किया गया है यानी कि नियम बनाए गए हैं। जेंट्स लोग बहुत लिटिजेंट होते हैं यानी कि मुकदमेबाज होते हैं। करप्ट लोगों को बैक करोगे तो बैकलैश झेलना पड़ेगा यानी कि पलटाओ, काउंटर एक्शन झेलना पड़ेगा। चोरी होने पे पुलिस क्लू के लिए प्रिक्लूड करती है यानी कि लोगों को रोकती है। पॉपुलेस लोगों से ही पॉपुलेशन बढ़ती है यानी कि जनसाधारण, यानी कि जो लोग होते हैं जो कि एक एरिया में रहते हैं। कोई ना कोई हर वर्ड को कॉइन करता है यानी कि उसका आविष्कार करता है। इस पग को लेकर इम्पर्न है यानी कि इस पग को लेकर वाद विवाद है। अब तो लेट हो गए बेचने में, ये एब्सोल्यूट हो गई। एब्सोल्यूट हो गई यानी कि आउटडेटेड हो गई है। सो फ्रेंड्स हमने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे अभी डिस्कस करते हैं। हमने आपसे पूछा था मोस्ट अपोजिट एंटी, ने पूछा था मार्की का। ओके, यहाँ पे बहुत सारे आंसर आए हैं फ्रेंड्स, इसमें से कुछ गलत भी है और कई सारे सही भी है। तो मार्की का मतलब होता है फ्रेंड्स कोई भी चीज जो कि एक हायर क्वालिटी की होती है। ओके, या फिर कोई टेंट है उसको भी अपन कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई टेंट है जो कि ओपन है चारों तरफ से, उसको भी अपन मार्की कहते हैं। ए लार्ज टेंट होता है जो कि ओपन साइड्स होती है, जिसके आउटडोर एंटरटेनमेंट के लिए काम में लिया जाता है, उसको भी अपन मार्की कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब था कोई चीज़ हायर क्वालिटी की होना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इन्फीरियर यानी कि जो लोअर क्वालिटी की जो चीज़ है उसको अपन कहते हैं इन्फीरियर। ओके, तो इसका सही आंसर था ए। सो फ्रेंड्स देखते हैं आज का क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे। आज भी हमने आपसे एक एंटोनिम पूछा है जो कि मोस्ट अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, वीएक्स जीयू हमने आपसे पूछा है, वी आई ई यू एक्स जी ई यू। आपके सामने चार ऑप्शंस है, हैकनीड, मॉडर्न, राइवल या फिर फास्ट। और फ्रेंड्स आपको कमेंट करना है इस वीडियो के ऊपर और साथ में आपको इसका आंसर करना है। और फ्रेंड्स ये ट्रिक बनाओ तो जाने का हमारा सेक्शन, जिसके अंदर हमने आपसे एक वर्ड दिया था सेंग्विन। ओके, तो सेंग्विन का मतलब क्या था? एक्चुअली में जो ऑनेस्ट होता है, कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंट होता है अपनी चीजों को लेके, उसको अपन सेंग्विन कहते हैं। तो दो ट्रिक यहाँ पे बहुत अच्छी आई है, रचना जी की और शंकर जी की। शंकर जी ने कहा कि सैम और जीनिया के पॉजिटिव रिजल्ट देखकर सेंग्विन हो गया यानी कि कॉन्फिडेंट हो गया। ओके, और यहाँ पे रचना जी ने कहा था सक्सेसफुल लोग सेंग्विन होते हैं। सक्सेसफुल को इन्होंने बहुत अच्छे से सेंग्विन से लेट किया। देखिए यहाँ पे चार लाइक भी मिले हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका था, इससे आप इस वर्ड को आसानी से याद कर सकते हैं। और आज का आपका जो वर्ड है वह एबडिकेट।
ABDICATE एप्लीकेट, इसकी आपको ट्रिक बनानी है और आपको सामने साथ में मेंशन करनी है। ओके और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको एक पूरा स्टेटमेंट बनाना है सभी 10 वर्ड को लेके जो कि आज अपन ने पढ़े हैं। तो यहाँ पे पिछली वाले वो जो अपना वीडियो था उसमें वीरू जी ने और हिमांशु जी ने दो बहुत अच्छे पूरे स्टेटमेंट क्रिएट करे हैं अपने वाले वो कैप से, ठीक है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, इन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छे प्री इमिनेंट प्लेयर हैं तो कि और ये टोटली इनकंसीवेबल है, कर्नल है यानी कि सेंटर है अपनी टीम पार्ट के। ओके तो पूरे के पूरे वर्ड्स इन्होंने सारे बहुत अच्छे तरीके से लेट करे, वैसे हिमांशु जी ने भी बहुत अच्छे से लेट करे और पूरा स्टेटमेंट बनाया। उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे आज के जो 10 वोकैब हैं इनसे कुछ स्टेटमेंट बना के देंगे जिससे आपकी बहुत अच्छे ये वर्ड्स हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके आपको कमेंट करना है फ्रेंड्स और इस वीडियो के ऊपर आपको ये सब डालना है। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, और फ्रेंड्स आज के लिए आपका एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि जो अपने 2000 जल्दी एस्पिरेंट्स हैं ओके अपने ऑनलाइन कोर्स के लिए, तो आज लास्ट डे है आप सभी के लिए इसके अंदर पार्टिसिपेट करने का। 31st आज इसमें लास्ट डे है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ 80 स्टूडेंट बचे हैं जहां पे उन लोगों को 25% ऑफ मिलने वाला है हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत अच्छी फैकल्टी के द्वारा बनाए गए हैं। और जिसलिए फ्रेंड्स जल्दी इसे ग्रैब करिए और इस ऑफर का फायदा उठाइए क्योंकि आज लास्ट डे है आपके इस ऑफर का। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को बिल्कुल भी आपको ध्यान रखना है कि अनसब्सक्राइब नहीं रखना है, चैनल को सभी को सब्सक्राइब करना है ताकि हम आपको ऐसी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करते रहें ताकि आपके पेपर में आपको बेनिफिट होता रहे। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम।